देखिए ये है ऑरेंज, यहाँ से हम ऑरेंज को तोड़ लेते हैं और आपको छिलकर दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने छत के ऊपर और ये देख सकते हैं मेरे छत के ऊपर ये पूरा का पूरा गार्डन लगा हुआ है। और दोस्तों मैं आज एक आपको ऑरेंज का हार्वेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, जो कि चाइना स्वीट ऑरेंज जिसको कहता है। दोस्तों हम इस ऑरेंज के बारे में आज आपको कुछ बताने वाले हैं और इसका कुछ सच्चाई आपको बताने वाला है। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में हमने देखा है कि इस वाला ऑरेंज दोस्तों खट्टा होता है और इसके अंदर रस नहीं होता है। दोस्तों इसीलिए आज हम इस ऑरेंज का हार्वेस्टिंग करेंगे और आपको काट कर भी दिखाएंगे कि इसके अंदर रस कितना होता है और मीठा होता है या खट्टा होता है। दोस्तों इसीलिए दोस्तों हम थोड़ा सा टाइम से पहले ही इस ऑरेंज को आज हार्वेस्टिंग करेंगे। दोस्तों अगर आप इधर हम आपको अगर दिखाएंगे तो इधर और भी मेरा कुछ मौसम्बी का पौधा लगा हुआ है, जैसे कि आप इधर देख पाएंगे इस वाले पौधे में 14-15 मौसम्बी अभी लगा हुआ है, जैसे कि इधर देख सकते हैं इधर बहुत सारा मौसम्बी इस वाले पौधे में लगा हुआ है। इधर भी और एक मौसम्बी का पौधा है, इधर अभी छोटा छोटा मौसम्बी लगा हुआ है, ये एक बारहमासी मौसम्बी का पौधा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उसी ऑरेंज का हार्वेस्टिंग आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम ऑरेंज को तोड़ लेते हैं। देखिए ये है ऑरेंज, यहाँ से हम ऑरेंज को तोड़ लेते हैं और आपको छिल कर दिखाते हैं। देखिए ये है ऑरेंज। दोस्तों हम ऑरेंज को छीलने की कोशिश करते हैं कि इसको इसका छिलका उतरता है या नहीं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों इसका छिलका थोड़ा सा टाइट है। दोस्तों इसको अभी पकने में टाइम है। देखिए थोड़ा सा कच्चा है लेकिन छिलका उतर रहा है। मैं आपको छिलकर दिखाता हूँ और खाकर भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर रस कितना होता है और मिठास कितना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह है चाइना ऑरेंज, इसका छिलका तो आसानी से उतर गया। अब हम इसको खाकर दिखाएंगे। देखिए ऑरेंज लेकिन अंदर से बिल्कुल वाइट कलर का है, ऑरेंज कलर का नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको खाकर दिखाता हूँ, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोगों को ऑरेंज खट्टा भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मीठा भी नहीं है, इसके अंदर बीज बहुत ही ज़्यादा है। अगर एक इसमें बात करें तो एक में 3 से 4 बीज है और मीठा भी नहीं है खट्टा भी नहीं है और रस उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग ऐसा पौधा छत में लगाएंगे किसी जगह तो खा पाएंगे, लेकिन जो टेस्ट होता है ऑरेंज का टेस्ट नहीं है इसमें। दोस्तों ऑरेंज के आसपास कहीं भी इसका टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा तो होगा ना ऑरेंज के जैसा, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है मीठा भी नहीं है। क्या बोले आप, अगर आप ऐसा पौधा छत के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं शो के लिए, लेकिन मेरे पौधे में तो एक ही फ्रूट आया था, फ्रूट तो बहुत आया था लेकिन धूप की वजह से झड़ गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।